नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजी सेविंग्स अकाउंट के बारे में। दोस्तों बहुत से लोगों की ये कमेंट आती रहती है कि डीजी बैंक की जो वॉलेट है उसमें मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है लेकिन उसमें UPI वगैरह नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सेविंग्स अकाउंट होना ज़रूरी है, डीजी बैंक का सेविंग्स अकाउंट। तो इसमें ये बात थी कि आप वॉलेट से सेविंग्स अकाउंट में किस तरह से कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर डीजी बैंक का सेविंग्स अकाउंट को किस तरह से ओपन कर पाएंगे। मैं आप सभी को पहले बता दूं कि डीजी का जो ई वॉलेट है इसमें भी आप फंड ट्रांसफर से लेकर वर्चुअल डेबिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसमें भी ई वॉलेट का एक अकाउंट नंबर आपको मिल जाती है। चलिए मैनेज पर क्लिक करते हैं। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको MMID और अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह सारा कुछ मिल जाती है और इसमें एक वर्चुअल कार्ड भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं डीजी बैंक का एक वर्चुअल कार्ड भी मिल जाती है लेकिन दोस्तों इसमें आप UPI नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड की लिमिट 10,000 रुपये पर मंथ है, चाहे आप ऑनलाइन परचेस करो, ठीक है, कहीं भी आप अगर ऑनलाइन परचेस करते हो तो 10,000 लिमिट है। दोस्तों यहां से बात आती है कि हम इस वॉलेट को अपने सेविंग्स अकाउंट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकती हैं। तो दोस्तों प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप अपने वॉलेट में पैन कार्ड को अपडेट कर दीजिए तो आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, नहीं तो एक नया सा प्रोसेस कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि डीजी का सेविंग्स अकाउंट की फैसिलिटी कुछ ही ऐसे सिटी में उपलब्ध है। तो सिंपल से आप जब होम पेज पर आओगे, यहाँ पर सबसे पहले वॉलेट में अगर आप ऐड मनी करते हो तो यहाँ पर डेबिट कार्ड वगैरह से नहीं होता है, आप सभी को पता होगा। आपको ऐड मनी की प्रोसेस करना है अकाउंट नंबर, IFSC कोड से, चाहे आप ट्रांसफ़र करो, NEFT करो, IMPS करो, आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड से ही वॉलेट में लोड मनी कर सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं वॉलेट से। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कैसे डीजी सेविंग्स अकाउंट को ओपन किया जाए अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन सेविंग्स अकाउंट की आपको ऑप्शंस दिख रही है ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यह जो बैंक है वो किसी चुनिंदा सिटी में ही उपलब्ध है, मैं आपको वो भी अभी बताऊँगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है, तो यहाँ पर UPI, IMPS, NEFT, RTGS वगैरह कर सकते हो, साथ ही साथ पेपरलेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर डीजी बैंक जो है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट की तहत आती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी क्विक अकाउंट ओपन करने के लिए। तो सिंपल से आपको गो के ऊपर क्लिक करना है। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पोस्टल कोड डाल देना है। इससे पहले आप ज़रूर सियोर हो ले कि आपके यहाँ पर शहर में यह बैंक उपलब्ध है या फिर नहीं। यहाँ पर देख सकती हैं अहमदाबाद दिया गया है, बेंगलोर, चेन्नई और न्यू दिल्ली वगैरह, यहाँ पर जितने भी दिया गया है वही है। आप देख सकते हैं इतने ही सिटी में आप अपना बैंक अकाउंट डीजी बैंक में ओपन कर सकती हैं। तो चलिए हम बैक कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिटी यहां पर उपलब्ध नहीं है तो आपके नियरेस्ट जो भी सिटी होगा वहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकती हैं अपना सुविधा के अनुसार। ध्यान रहे उसी पोस्टल कोड पर, उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड वगैरह भेजी जाएगी, जो भी वेलकम किट होगा उसी पर भेजा जाएगा। तो सिंपल से हम यहाँ पर पोस्टल कोड एंटर कर देते हैं जो एक दिल्ली का है। तो चलिए हम पोस्टल कोड एंटर कर देते हैं। दोस्तों हमने पोस्टल कोड एंटर किया, उसके बाद हम यहां से नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड वगैरह जो भी होगा इसी पोस्टल कोड पर आपका डिलीवर होगा, आप इसे बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कन्फर्म है तो कन्फर्म पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप बैक कीजिएगा तो आप एक वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कन्फर्म करके देते हैं। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है, जो जस्ट हमने अभी एंटर किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल है। तो आधार नंबर आपको एंटर कर देना है, उसके बाद आपको टर्म कंडीशन को एग्री करना है। याद रखें कि यह जो बैंक है आपको DBT के लिए ओपन होगी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट और ट्रांसफ़र के लिए, वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। तो यहां पर आपको एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। दोस्तों नेक्स्ट जब आप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपका DBT यानी सब्सिडी वगैरह अगर कोई बैंक अकाउंट में जाता है, कोई दूसरा बैंक अकाउंट में, तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकती हैं उस बैंक अकाउंट को। अगर नहीं जाता है तो नो पर क्लिक कर दीजिए, आपका डीजी बैंक में ये आ जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई बैंक अकाउंट में जाता है तो यस पर क्लिक कीजिए। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक में आपका सब्सिडी वगैरह जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो कि एक्सिस बैंक में आपका जाता है तो यहाँ पर एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कीजिए।
एक्सिस बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। ध्यान रहे कि आपको एक्सिस बैंक में अगर डीबीटी जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तभी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अगर एक्सिस बैंक में ऑलरेडी जा रहा है तो यहाँ पर अब जो है आपका डीबीटी आ जाएगा इस बैंक में, ठीक है। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना है। दोस्तों यदि आप पैन नंबर नहीं देते हो तो आप एक वॉलेट ही क्रिएट कर पाओगे, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो 4 से 10 दिखाया जा रहा है, यानी कि चौथे नंबर प्रोसेस पर हम हैं, लेकिन टोटली जो है यहाँ पर 10 प्रोसेस आपको करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर पैन कार्ड नंबर हम एंटर कर देते हैं। दोस्तों हमने पैन कार्ड नंबर एंटर किया, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है आगे की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी पेशा क्या है, आप क्या करती हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिए, बिजनेस है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ फंड फॉर दिस अकाउंट, मतलब आप क्या ओपन करना चाहते हो। तो आप अगर सेविंग्स को ओपन करना चाहते हो तो सेविंग्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे एनुअल इनकम रेंज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर 1 लाख तक इनकम करते हो तो सबसे फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लीजिए, अगर 1 लाख से 5 लाख तक करते हो तो सेकेंड वाला कर लीजिए। तो चलिए मैं अप टू 1 लाख क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एस्टिमेटेड पूछा जाता है, तो अप टू 1 करोड़ आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, आप अपने अनुसार से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी फैमिली का डिटेल, जिसमें आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस डाल देना है। तो यहाँ पर अगर मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल डाल दीजिए। उसके बाद अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल दीजिए। तो चलिए हम डाल देते हैं। दोस्तों हमने अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल दिया, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि नॉमिनी में आप किसे रखना चाहते हो, या फिर अगर आप अभी नॉमिनी को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो डू इट लेटर पर क्लिक कर दीजिए। तो अगर मदर को रखना चाहते हो तो मदर पर क्लिक कीजिए, उनका बर्थ डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल दीजिए। तो अगर आप बाद में इसे लगाना चाहते हो, बाद में नॉमिनी देना चाहते हो, तो डू दिस लेटर पर क्लिक कर लीजिए। जब यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आप चाहे तो यहाँ से रीड कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए। तो चलिए एक्सेप्ट पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे एक मैसेज के द्वारा। आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर हमें मिल चुका है। तो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको KYC वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार SMS OTP, यानी कि आधार का SMS OTP से, तो आधार SMS OTP पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा। दोस्तों अगर आपका लिंक नहीं है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से, तो आप एजेंट से मिलकर भी यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं अपना KYC डॉक्यूमेंट। तो हमने आधार नंबर की जो यहाँ पर OTP है उसका ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अभी हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिससे आधार कार्ड लिंक है। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है उससे जो लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर कुछ दिन से UIDAI की तरफ से बार बार OTP जो है टाइम पर नहीं आता है, अभी भी नहीं आ पाया। हो सकता है ये OTP शाम तक आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है UIDAI की तरफ से। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर OTP जो है हमारे नंबर पर नहीं आई, तो यहाँ पर लॉग आउट हो चुका है सक्सेसफुली। आप देख सकती हैं सेशन एक्सपायर्ड हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें चार्जेस वगैरह क्या लगता है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी ज़रूर दे दूँगा। यहाँ पर जो DBS बैंक है वो दावा करता है 7.5% इंटरेस्ट रेट PA यानी कि पर एनम की। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आखिर इंटरेस्ट रेट कैसा है। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके आधार कार्ड से अगर OTP नहीं आ रही है तो आप एजेंट वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके चार्जेस और इंटरेस्ट रेट के बारे में भी। तो दोस्तों ये जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप 100% यहाँ से वेरीफाई हो सकती हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डिजी बैंक का ई वॉलेट
ओपन कर चुके हैं तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डीजी सेविंग्स अकाउंट जिस तरह से हमने आपको बताया वैसा आप ओपन कर चुकी हैं या फिर करेंगे तो आपको अप टू 1 लाख रुपये रखने पर आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर 1 लाख से 2 लाख तक रखने पर आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी और 2 लाख से 5 लाख तक के आपको 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 5 लाख से अब यानी ऊपर रखते हो तो आपको 4% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलने वाली है। दोस्तों आपको जो डेबिट कार्ड मिलेंगे वो वीज़ा कार्ड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट का भी कुछ इस प्रकार के इंटरेस्ट रेट दिए गया है, देख सकते हैं आपको यहाँ पर शो होता होगा किस तरह से इंटरेस्ट रेट है, तो आप ये सब देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट यानी कि खो गया हो या फिर डैमेज हो गया हो उसकी चार्ज यहाँ पर 150 रुपये बांधी गए हैं। दोस्तों अगर आप अकाउंट क्लोज करवाते हो, आपको पता होगा कि अकाउंट क्लोज जो है 6 महीने बाद ही होता है, तो आपको 500 रुपये यहाँ पर चार्ज किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल कैश विड्रॉ करते हो तो 125 रुपये आपसे लिए जाएंगे। दोस्तों डेबिट कार्ड एनुअल फी की बात करें तो आपको सेकेंड ईयर से आपको 150 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये था छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा वीडियो हम बना दें आपको फ़ी और रेट वगैरह की, तो मैं ज़रूर बना दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डीजी बैंक की सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप OTP वगैरह में फंसते हो तो आपको होम पेज पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, कंप्लीट वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो डायरेक्ट आप जो OTP के सेक्शन पे थे यहाँ पर आ जाओगे। अगर अभी आपके पास OTP नहीं आ रहा है तो आप बाद में ट्राई करके देख लेना, अगर OTP आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप मीट एन एजेंट पर क्लिक करके आप एजेंट से भी मिल सकते हैं, नहीं तो आप अपने नियरेस्ट जो भी स्टोर है वहाँ पर विजिट कर सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप अपना DGE वॉलेट से आप अपना सेविंग्स अकाउंट किस तरह से ओपन कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मिली जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो आपके दिल में वे हिचक हमें कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।